हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल आई एम पूनम दुआ फ्रॉम एमएंड एजुकेशन एकेडमी ऑफ लिटरेचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिस इज अ फॉर्म ऑफ ड्रामा कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स बाय बेन जॉनसन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स इज अ फॉर्म ऑफ ड्रामा स्पेसिफिकली अ फॉर्म ऑफ कॉमेडी एंड हाउ दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स इज अ जॉनरा ऑफ ड्रामा मोस्ट ऑफन जिसको लिंक किया जाता है प्ले राइट एंड पोयट बेन जॉनसन के साथ बेन जॉनसन जो कि सिक्सटीन सेंचुरी के एक फेमस पोएट और प्ले राइट थे इन इस प्लेस कैरेक्टर्स सीन आउट ऑफ शॉर्ट्स एंड अनबैलेंस्ड और बेन जॉनसन का मानना था कि यह डिसेंस ही है जो कि कैरेक्टर्स को एक कॉमिक इनपुट प्रोवाइड करता है ये जो टर्म है ह्यूमर यह लैटिन वर्ड से डिराइव की गई है लैटिन वर्ड जो कि मोर कॉमनली रादर देन ह्यूमर इट वॉज ह्यूमर एच वॉज नॉट देयर सो जिसका मतलब होता था लिक्विड और मेडिवल और रेनेसांस मेडिकल थ्योरीज में माना जाता था कि हर ह्यूमन बॉडी में चार तरीके के लिक्विड्स होते हैं ब्लड फेल येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल और इन चारों लिक्विड्स का जब प्रॉपर बैलेंस होता है दैट मेक्स अ साउंड पर्सन अ हेल्दी पर्सन अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी ऐसा माना जाता था कि इनमें से किसी का भी एक्सेस या डिसबैलेंस है तो दैट हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन डिफरेंट ह्यूमंस। फॉर एग्जांपल एक्सेस ऑफ ब्लड यूज टू मेक अ पर्सन एक्सेसिवली ऑप्टिमिस्टिक जब एक सिंगल चांस भी नहीं है ना होप का तब भी वो पर्सन बहु, बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है वो एक्सेस ऑफ ब्लड की वजह से होता था फ्लैम मेक्स वन एक्सेसिवली काम विच इज नॉट रिक्वायर्ड एट टाइम्स एंड कॉलर मेक्स अ पर्सन इल tempered और ब्लैक बाइल मेक्स अ पर्सन melancholic और एक्सेसिवली सैड अब देखते हैं बेन जॉनसन की कॉमेडीज को कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के साथ क्यों एसोसिएट किया जाता है बिकॉज द प्रिंसिपल कैरेक्टर्स इन ऑल कॉमेडीज आर विक्टिम्स ऑफ वन ह्यूमर और द अदर वन डिसबैलेंस ऑफ लिक्विड और दी अदर फॉर एग्जाम्पल ही यूजेज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इन इज प्ले एवरी मैन इन इज ह्यूमर

अब बात करते हैं ने द फॉक्स की वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस बाय दिस प्ले राइट द कैरेक्टर्स इन वोलपोने आर स्टीडियो टाइप्स ऑल ऑफ द कैरेक्टर्स आर इम इन सम वे और दी अदर सो दे ह्यूमर्स आर आउट ऑफ बैलेंस एंड दे दस एक्ट इन कॉमिकल वेज दस वोलपोने इज़ अ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स In a nutshell, we can say Ben Johnson's comedy is called the Comedy of Humors as it aimed primarily at the representation of such characters as were motivated mainly. Or entirely by their peculiar odd kind of qualities dominant passions or we can say humor's as well so a comedy of humor's had a highly dedicated aim as well so aisa nahi hua kerta tha ki sirf ko characters ko use kiya tha, but kuch na kuch moralistic message bhi diya tha, which was sought to be realized through satire leveled on various uh, levels in humor's and uh, as an example we can say Volpone Volpone is a satire on the Privity of human characters and Alchemist uh, is also one more example. This is a satire on greed. In the end, I would say comedy of humors is a genre of dramatic comedy which focuses on a character or a range of characters which portray or exhibit an overriding trait of humors that dominates their normal personality, normal desires, and normal conduct. So we can say characters turn out to be mad or quirky. Quirky means having uh, or characterized by a peculiar or unexpected trait or quality or aspect. link, you click move morality or miracle plays. That topic is also very important for any of the competitive exam aspirant. So thanks a lot for watching our channel. Best of luck for your exams.